जो है ना हमारे मोहतरम इसहाक डार, इसहाक डार साहब बहुत कुछ आज जो, एक तो वो काट रहे हैं अपना बोया हुआ, जाहिर है जिंदगी में अच्छा किया होगा बुरा किया होगा झूठ बोला होगा मनी, वो अपना आप काट रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं, एक बात पे इसहाक डार साहब और बाकी तमाम शख्सियात को चाहिए कि वो जरा कौम के सामने आए और बतौर, यानी ये नहीं कि कौम का पैसा लूटा है, ये उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, मां साहब असासे बनाए इसको छोड़ दें, ये सारी शख्सियात सामने आए और मैं इनको ये याद दिलाऊं कि 2009 में, 2009 के जुलाई या अगस्त में, मैं तलाश कर रहा हूं कि मुझे वो अपने शो का आर्काइव मिल जाए, बहुत सारे उस वक्त यूट्यूब पे नहीं होते थे, कैसेट्स होते थे, मैं उस अदारे में अब नहीं हूं, जी मैं कहीं से वो ढूंढूं। मैंने ऑन एयर ये बात की थी, ऑन एयर, कि पाकिस्तान के हवाले से एक प्लान तैयार हो रहा है जो कि सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, मुख्तलिफ ममालिक का है। उस वक्त अरब स्प्रिंग ये वो कुछ भी नहीं था, ये 2009 की मैं बात कर रहा हूं, और उस वक्त कोई खाका भी नहीं था मेरे सामने, लेकिन उसमें बात ही हो रही थी कि उसमें मरकज को कमजोर कर दिया जाए, एक खाका था। मैंने अपने शो में बात की, अच्छा उसमें गालम गलूज, डॉक्टर शायद ये है फलां है, वो आपको पता है ना सारा मीडिया लगा हुआ था, वो जिन लोगों को जी भी याद है 2009 2010 गालियां दे रहे हैं सारे सारे। खैर वो मैंने एक दफा दो दफा शायद बात की और फिर उसके बाद तीसरी दफा खूब सबने मिलकर पार्लियामेंट के लोगों ने गालियां वालियां दी, और उसके बाद अप्रैल 2010 में 18वीं तरमीम मंजूर हो गई। मैं रिपीट कर रहा हूं कि मैंने 2009 में ये बात की थी और मैं उसका क्लिप तलाश कर रहा हूं और चलाऊंगा। 2009 के दरमियान में मैंने बात की थी, खाका कंप्लीट मेरे सामने नहीं था, मैंने सिर्फ ये कहा था कि मरकज को, मरकज के इख्तियार सूबों में देने की बात हो रही है जो जी असल में पाकिस्तान के खिलाफ होगा, आगे जाके पता लोगों को चलेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ है। मरकज को शुरू में कमजोर शुरू मरकज करने देखिए की कोशिश। मरकज को 18वीं तरमीम, अब मैं आपको बताता हूं मैं क्यों इसहाक डार की बात क्यों कर रहा हूं खासतौर पर, क्योंकि इसहाक डार ये लिख रहे थे, ये जरा बताएं कि ये कहां तैयार हुआ था, मतलब मैं फिर ये भी बताऊंगा कि ये इसका बुनियादी मुसवदा कैसे बने थे, पिक्चर क्या कहानी सारी इसमें हुए थे, जो इन्होंने अचानक जरदारी साहब ने कहा कि मैंने अपनी ताकत पार्लियामेंट को दे दी, उसमें एक अच्छी बात भी थी ना, 58(2) भी कर दिया मैंने, दे दिया सारा, लेकिन उसमें बाकी मामला क्या थे और ये बाहर तैयार हुआ था। अच्छा अब आप देख लेंगे ना कि मरकज कहां कहां कमजोर है, किन किन मुल्कों में ये मरकज कमजोर है, लीबिया में ट्रिपोली का क्या हाल हुआ हुआ है, यमन में सना के पास क्या है, बगदाद जी के पास क्या है, इराक में, इराक ठीक है आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट रहे हैं ना मुल्क, और दमिश्क में क्या है, सीरिया का कितना हिस्सा है, तो अफगानिस्तान 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 तो पहले हो चुका था, ये मैं जी बात कर रहा हूं 2009 और 10 2009 की, जी ये उसके बाद ही अरब से। अच्छा अब मैं आपको बताऊंगी ये इसमें क्या हो, ये मैं क्यों बात कह रहा हूं कि ये बहुत खौफनाक हालात डेवलप होने वाले हैं अगर आपने 18वीं तरमीम को खत्म ना किया तो। देखें हुआ क्या है कि इसमें आपने पैसा दे दिया सारा का सारा